क्या आपको पता है 1913 में रिलीज हुई इंडिया की पहली मोशन पिक्चर राजा हरिश्चंद्र में राजा हरिश्चंद्र की वाइफ तारामती का रोल एक मेल एक्टर ने प्ले किया था। दरअसल उस समय एक्टिंग को औरतों के लिए अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था और इसीलिए फिल्म के डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के को लीड फीमेल कैरेक्टर प्ले करने के लिए कोई भी एक्ट्रेस नहीं मिल पाई और उन्हें एक्टर अन्ना सालुंखे से रानी तारामती का रोल प्ले करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। दादा साहेब फाल्के ने अपनी दूसरी फुल लेंथ फीचर फिल्म मोहिनी भस्मासुर के लिए बहुत स्काउट करने के बाद 13 साल की कमलाबाई गोखले को मोहिनी के रोल के लिए सिलेक्ट किया और वो इंडिया की पहली फीमेल लीड एक्ट्रेस बनी। और इसी मूवी में उनकी माँ दुर्गाबाई कामत ने पार्वती के रोल में केमियो किया, मेकिंग हर द फर्स्ट फीमेल साइड एक्टर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री।